देखिए, एजीपी इज अ पार्ट ऑफ द ओबीएस ग्रुप, एंड ओबीएस ग्रुप की एक जो है वो ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारी जो पेरेंट कंपनी है उसकी एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे भी उनका काफ़ी फोकस रहता है। तो अगर मैं एजीपी की बात करूं तो हमारा फोकस गोइंग फॉरवर्ड भी रहेगा जो हमारे जो हाई ग्रोथ मॉलिक्यूल्स हैं एग्जिस्टिंग, इसके अलावा डोमेस्टिक के अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, अफगानिस्तान है, इसके अलावा हमने अफ्रीकन मार्केट्स कुछ खोली हैं, उस पर फोकस रहेगा। लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन कॉम्प्लीमेंटिंग थेरेप्यूटिक क्लासेस, एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रैटेजी हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में जिसमें इट मे बी एक्विजिशन ऑफ ब्रांड्स और ग्रुप ऑफ ब्रांड्स और कंपनी जो के विच कॉम्प्लीमेंट्स आर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड दैट कैन ऐड टू शेयर होल्डर्स वैल्यू, वो हम कॉन्स्टेंटली एक उसको हम एवेल्युएट करते हैं। ओके ग्रेट। रिसेंटली वी सॉ अ लॉट ऑफ न्यूज इन द मार्केट अबाउट मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी, कोई नोवार्टिस का नाम लेता था, कोई किसी और चीज़ का, फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक लेटर भी लिखा, उसका आप लोगों ने जवाब भी दिया। सो गोइंग फॉरवर्ड डू यू हैव सम रियल प्लान्स टू एक्वायर समथिंग? Like as I mentioned before, as a part of our strategy, we are continuously looking for opportunities for inorganic growth. So, अगर हमें you know इसमें एक हमारा disclosure भी आया था कि जो है ये हम evaluate कर रहे हैं opportunities. And naturally, अगर कोई भी opportunity ऐसी stage पे आएगी तो हम जरूर अपने यू नो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेंगे, बट इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। देखिए, रूमर्स तो मार्केट में हमेशा चलती ही रहती हैं, बट ये है कि एज आई सेड इट्स अ स्ट्रेटजी टू ग्रो इनऑर्गेनिकली एज वेल, सो वी कीप ऑन इवैल्यूएटिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज। सुपर ग्रेट। व्हाट आर योर मेन revenue contributing sources? Would you mind sharing a couple of, one or two or three or four? Okay. देखिए, और जो हमारे top 5 products हैं, they contribute about 60% to our top line. उसमें हमारा सबसे बड़ा brand Vigix है, which is the brand anti-allergy कहा जाता है उसको, highest, largest selling, most prescribed anti-allergy product in Pakistan. High growth segment में operate करता है। फिर second हमारा product है Ciclor, which is an antibiotic. Third फिर हमारा है Osmate. Osmate is a natural form of calcium supplement. फिर फोर्थ पे हमारा एमोसोटाम है, विच इज एंटीस्पाजमोटिक जिसको कहते हैं, पेट के दर्द के लिए लिया जाता है। फिर एंड फिफ्थ हमारा कैमोरल फोर्थ है, विच इज एन एंजाइम प्रेपरेशन जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारे जो 5 टॉप प्रोडक्ट्स हैं ये अभी भी हाई ग्रोथ सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, एंड हम इनको यू नो अभी भी देखते हैं कि वे हैव यू नो हाई पोटेंशियल टू हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन द फ्यूचर एज वेल। तो इसी पे हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन में से फिर हमारा फोकस भी इन्ही प्रोडक्ट के ऊपर होता है। डॉलर कंटिन्यूस एक डाउन स्लाइड ले रहा है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 155 बिटवीन 150 टू 155 इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी? देखिए,
देखिए, जब भी हम अपनी ईयरली बजटिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक $5 पैरिटी रेट बजट में लेते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द रीसेंट जो एक वॉलेटिलिटी पिछले तकरीबन 2 साल से रही है, उसकी वजह से हम एक डेल्टा बताते हैं. जैसे हमारा लास्ट ईयर का आपसे शेयर करती हूँ कि फॉर एवरी 1 रुपी हमारा जो पैट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इम्पैक्ट आता है वो 1 रुपी अगेंस्ट डॉलर का, वो अबाउट 6.7 मिलियन है. ओके. तो वो हम हमेशा देते हैं. जब भी हम इन्वेस्टर मीटिंग वगैरह भी करते हैं तो हम काफ़ी ओपनली शेयर करते हैं ये बात. अच्छा, हैविंग सेड दैट, तो क्योंकि अब एक प्राइसिंग पॉलिसी इन प्लेस है तो यू नो टू सर्टेन एक्सटेंट, तो अगर एक एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रिवैल्यूएशन हो तो वो फैक्टर मिटिगेट हो जाता है. यू नो, बट नेचुरली इफ इट्स एन एग्जॉर्बिटेंट रिवैल्यूएशन लाइक यू नो वी सॉ इन रिसेंट ईयर्स, तो फिर नेचुरली वो फिर CPI से जो कि कैप भी है 7% and 10% पे, उससे वो हो नहीं पाता, पूरा उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑफसेट नहीं हो पाता. बट यू नो प्राइस कंट्रोल इंडस्ट्री में हम ऑपरेट करते हैं, वी डू ट्राई बिकॉज वी आर अ बिग प्लेयर, तो एक आपका नेगोशिएटिंग पावर भी होता है आपके सप्लायर्स के साथ, जो कि आपको टू सम एक्सटेंट देते भी हैं लीजिए इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. तो अब तक तो यू नो वी बीन एबल टू मैनेज. ऑफ कोर्स हिट आई है बट यू नो कुछ हद तक विद प्राइस इंक्रीज. जैसे गवर्नमेंट ने एक वन ऑफ जो एक एग्जॉर्बिटेंट डिवैल्यूएशन हुई थी तो उसको ऑफसेट करने के लिए 15% इन जनवरी ऑफ 2019 गवर्नमेंट ने एक दिया था एक, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट के उसको ऑफसेट करने के लिए दिया गया था एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को. ओके, ग्रेट. आखिर में हमें ये बताइएगा कि इंडिया के साथ इम्पोर्ट जो है वो काइंड ऑफ बंद हुई हुई है, सो हाउ इज़ इट गोइंग टू इम्पैक्ट, और आप इन पर्टिकुलर AGP पर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, यू कैन से कि बंद हुई है, देयर हैव बीन डिस्ट्रक्शन. जब इस पे एम्बार्गो लगा था उसके बाद जो है वो फार्मास्यूटिकल्स को तो उन्होंने इसे एग्जेंट कर दिया था बिकॉज नेचुरली हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की काफ़ी डिपेंडेंस है ऑन इंडिया एंड चाइना बोथ, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ यू नो फिलहाल सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नो ये फार्मा एग्जेम्प्ट हो गई थी. अच्छा, लेकिन एग्जेम्पशन के बाद भी इश्यूज रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कस्टम क्लियरेंसेस, एंड कुछ स्टेजेस ऐसे भी आए हैं कि हाँ बनती हो गई थी. देखिए, फार्मा में ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना वो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अगर मैं सपोजिंग मेरी दवा है रिटिक्स, उसमें मैं एक API यूज करती हूँ जो कि मैं इंडिया से इंपोर्ट करती हूँ, ठीक है. उसमें मैं अगर आप मुझे आज बोले कि मैं अपना API चेंज कर दूँ तो मैं वो एक दिन में चेंज नहीं कर सकती. उसमें तकरीबन इफ मैं फास्ट ट्रैक पे भी चलाऊँ तो इट विल टेक मी एटलीस्ट 6 to 9 months बिकॉज एक स्टेबिलिटी का प्रोसेस होता है. वो नया API आएगा, वो टेस्ट होगा, फिर मेरे ट्रायल बैचेस बनेंगे, वो ट्रायल बैचेस मैं स्टेबिलिटी पे लगाऊंगी. अगर मैं इंटायर शेल्फ लाइफ की स्टेबिलिटी करूं तो वो तो तकरीबन 3 साल का प्रोसेस है. ओके. तो एट बेस्ट आपको तकरीबन 1 साल से 18 महीने चाहिए पूरी एक्सरसाइज के गुजरने के लिए. आप API छोड़ दें, अगर मैं अपनी प्राइमरी पैकेजिंग भी चेंज करूँ. प्राइमरी पैकेजिंग कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट को टच करती है जो चीज़, जैसे बॉटल है या फॉइल है, तो
तो अगर मुझे अपनी प्राइमरी पैकेजिंग भी चेंज करनी हो तो उसके लिए भी मुझे ट्रायल बैचेस स्टेबिलिटी पे लगाने पड़ते हैं फॉर एटलीस्ट 6 मंथ. 6 मंथ पे तो आपकी एक वो सेट होती है. आइडियल तो ये है कि आप थ्रू आउट शेल्फ लाइफ की स्टेबिलिटी लगाएं. ओके ग्रेट. सो यू नो इट इज नॉट कि आज आप अगर बंद कर दें और बोलें कि हम चेंज कर लें और शिफ्ट कर जाएं, इस तरह हो नहीं सकता. एक तो ये कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन ऑल्टरनेट सोर्सेज. चाइना से हम करें, अगर हम यूरोपियन सोर्सेज की तरफ जाएं वो तो खैर बहुत ही महंगे हैं. हम बिल्कुल भी हमारी जो प्राइस में प्राइसिंग जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है तो बिल्कुल भी आप कर ही नहीं सकते हो. तो यू नो देखिए, सोचना तो बहुत कहना बड़ा आसान है, लेकिन एक्चुअली जो अगर आप इसकी जो रियलिटीज देखें उसमें रियलिटी चेक लाने का बड़ा वो है, ज़रूरत है इसकी कि हम आया उस स्टेज पे हैं फिलहाल कि हम ऐसा कर सकें. सो इफ यू आस्क मी तो नो, वी आर नॉट एट दैट स्टेज. वी विल नीड, हाँ हम हो सकते हैं, वी विल नीड टाइम फॉर दैट. जो अगर वो मटीरियल चाइना में मौजूद है तो तकरीबन आपको 1.5 से 2 साल का अर्सा चाहिए उसको शिफ्ट करने में. लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मटेरियल्स ऐसे रहेंगे जो कि यू नो वो जो चाइना में भी अवेलेबल है. अच्छा नुसरत, आखिर में जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो GTV नेटवर्क का प्लेटफॉर्म हाजिर है. देखिए आई थिंक दैट फार्मा, अगर मैं वैसे एंटायर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की बात करूँ, आई थिंक फार्मा इज अ सेगमेंट एसेंशियल कैटेगरी में इसका शुमार आता है. थ्रू आउट द कोविड टाइम्स भी ये इंडस्ट्री ऑपरेट करती रही है. ग्रोथ भी आई है, ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है इन टर्म्स ऑफ जो, लेकिन कोविड मैनेजमेंट की जो दवाएं रही हैं उसकी वजह से अभी भी मैट बेसिस पे जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो अबाउट 10% रही है. एंड जो पर कैपिटा स्पेंड है वो भी मैंने आपसे शेयर किया कि वो अभी भी बहुत लो है डिस्पाइट द डबल डिजिट ग्रोथ इन द लास्ट 10 ईयर्स. तो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ मौजूद है. इन टर्म्स ऑफ कौन उस ग्रोथ का बेहतर उस अपॉर्चुनिटीज को आगे बढ़ के यू नो वो कर सकता है, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप आप देखें कि लोकल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो अब काफ़ी हद तक आगे आ चुके हैं एंड अबाउट 68% मार्केट शेयर लोकल कंपनीज के पास है एज अपोज टू 30 ईयर्स अगो जब ये टोटली ये एक उलट था. 70% मार्केट शेयर MNCs के पास था. तो आई थिंक जो टॉप 50 कंपनीज हैं वैसे तो 700 रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं ग्रैप में फार्मास्यूटिकल, बट आई थिंक जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनके पास अबाउट 95% ऑफ द मार्केट शेयर है. And I think they are better placed, and AGT is one of them. So they are better placed to you know to take advantage of this segment. And I think the growth, jo hai, wo continue karegi in the years ahead as well. Nusrat, she tried to actually conceal a lot. Novartis aur kafi sari baatein ho rahi hain acquisition ke context mein. बट वी रेस्पेक्ट देयर व्यू के जब तक कोई न्यूज़ एलिजिबल टू डिक्लेयर नहीं हो दे हैव एवरी राइट नॉट टू डिस्क्लोज, बिकॉज फिर ये भी कहा जाता है कि न्यूज़ मैच्योर नहीं थी और उसके ऊपर लोगों ने रैली की, इन्वेस्टमेंट की और लोगों के पैसे डूब गए. व्हाट डू टेक्निकल से अबाउट AGP? ये एक चार्ट है, लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट है, वीकली चार्ट AGP फार्मा का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस अगस्त 2019 के अंदर ऑलमोस्ट 51 रुपीज के करीब ट्रेड कर रही थी. और फिर उसके बाद हमने देखा कि अगस्त 2020 में इसकी प्राइस तकरीबन 127 तक भी गई. तो तकरीबन एक साल के अरसे में इस शेयर ने 140% का रिटर्न शो किया. तो व्यूअर्स, रिटर्न वाइज इस शेयर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और एक साल के अरसे में इस शेयर ने ऑलमोस्ट
आप देख लें 142% का रिटर्न शो किया, जो कि एक जबरदस्त रिटर्न है एक साल के अंदर किसी भी स्टॉक्स के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके अगर टेक्निकल ट्रेंड पे नजर डाल लें तो हमें ये नजर आ रहा है कि शेयर के अंदर हायर हाइज एंड हायर लोज बन रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है और एक बुलिश साइन है लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री पे, जिसके अंदर अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन शेयर की देखें तो ये शेयर हमें लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात कर लें, बिकॉज 127 टच करने के बाद ये शेयर नीचे आया है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसके दो हाई को टच करते हैं तो हमें ये तीसरा हाई जहां से ये टच होके वापस आया है ऑलमोस्ट, ये एक इसकी सप्लाई एरिया के करीब से ये शेयर हिट हुआ और वो सप्लाई एरिया के बाद इस शेयर ने नोज डाइव लिया। इसी तरह से व्यूअर्स हम इसके सपोर्ट जोन को भी देख सकते हैं कि इस शेयर का एक सपोर्ट जोन भी है जो कि ऑलमोस्ट इस वक्त अपने सपोर्ट जोन को टच कर चुका है। तो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो शेयर इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जहां पे इसकी ये अपर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री से ये रिजिस्ट होके नीचे आ जाता है, सिमिलरली लोअर बाउंड्री से सपोर्ट लेके ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो व्यूअर्स अगर हम जरा सा इसके डेली चार्ट पे नजर डाल लें तो हमें ये नजर आएगा कि ये इसका लॉन्ग टर्म डेली चार्ट है और लॉन्ग टर्म डेली चार्ट के अंदर हमने देखा कि ये शेयर अप्रैल 2018 में भी 104 रुपीज का ट्रेड कर रहा था और आज अगर हम इसकी प्राइस देख लें तो ये भी ऑलमोस्ट 108-105 के करीब करीब है। तो गोया ये बात यहाँ पे प्रूफ होती है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल के अरसे में इस शेयर ने इसी रेंज को मेंटेन करके रखा हुआ है। इस दौरान एक दफा ये नीचे भी गया जब मार्केट्स पूरी नीचे जा रही थी और इसने जैसा मैंने पहले बताया 51 रुपीज का लो टच किया, एंड देन उसके बाद अब ये रिकवरी की तरफ है और 105-106 की तरफ है। इसी तरह से व्यूअर्स अगर हम इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर जरा सा नजर डाल लें तो हमें ये नजर आ रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के ऊपर भी ये शेयर इस वक्त न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शेयर अपेरेंटली इस ट्रेडिंग रेंज में जो मैंने पहले बताया इसमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री शेयर की पॉजिटिव है जिसके अंदर हम फोरसी कर सकते हैं कि ये शेयर अपनी अपर चैनल बाउंड्री जो कि 135-136 है उसको ये किसी भी टाइम हिट कर सकता है और अपनी लोअर रेंज जो कि 95-96 है इसके अंदर ट्रेड कर सकता है। थैंक यू अतिश।